यश चोपड़ा ने अपने करियर के दौरान ऐसे मुद्दों पर मूवीज बनाई जिनको बनाने से शायद आज के फिल्म मेकर्स भी कतराए। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके और शायद अब भी नहीं बना सकते। इंडियन सिनेमा को शेप करने में एक बहुत बड़ा हाथ यश चोपड़ा का है। वक्त, दीवार, सिलसिला, चांदनी, डर जैसी और बहुत सारी मूवीज ने इंडस्ट्रीज के बहुत सारे फिल्म मेकर्स को अलग अलग तरह की मूवीज बनाने के लिए प्रेरित भी करा है। तुम यश चोपड़ा को जानते हो अलग अलग किस्म की मूवीज बनाने के लिए, YRF प्रोडक्शन हाउस को एस्टैब्लिश करने के लिए। वी आर स्टिल All reaping the benefits of that phase. ऐसे दौर में जहाँ पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक तरह की एक्शन मूवीज बनती थी, वहाँ एक अलग ही तरीके के मूवीज यश चोपड़ा ने बॉलीवुड मेनस्ट्रीम में एस्टैब्लिश करी। You absolutely know that a filmmaker has made a huge mark when you call his cinema a school of cinema. He's done drama, he's done action. And yes, she was always looked upon as this new age Young director. राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, राखी गुलजार, श्रीदेवी जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करके यश चोपड़ा ने एक के बाद एक सुपर हिट मूवीज दी। और वहीं शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को तो यश चोपड़ा ने अपनी मूवीज से स्टार बनाया है। 60s और 70s के दौरान कोई भी यश चोपड़ा की बनाई हुई मूवी को मिस नहीं करता था, खासकर जब वो मूवीज राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन के साथ बनाते थे। But Mr. Yash Chopra was one of the guys that you didn't miss a film on. As in if happens to be with an Amitabh Bachchan or Rajesh Khanna, then You didn't miss it at all. उस समय कहा जाता था कि अगर सुपरस्टार बनना है तो यश चोपड़ा जी के साथ एक मूवी कर लो। यश चोपड़ा की मूवीज में सिर्फ हीरोज ही नहीं, हीरोइंस को भी इज्जत दी जाती थी एक ऐसे टाइम पर जहां लड़कियां, विमेन कैरेक्टर्स बस साइड रोल्स होते थे। यश जी ने उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया। But why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm and so extremely woman-like? And उन्हीं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के दम पर कुछ ऐसे टॉपिक्स पर मूवीज बनाई जिनके बारे में मैं और तुम आज भी बात करने में शायद कतराएं। इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑब्सेशन, एज गैप वाला फॉरबिडन प्यार, लव ट्रायंगल जैसे नुआंस टॉपिक्स को यश चोपड़ा ने मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करा। दीज आर मैच्योर सीन्स, देयर आर मॉडर्न सीन्स, दे आर सीन पीपल अवॉइड, बट आई पुट इट लेकिन असल जिंदगी में इतने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर मूवीज बनाने वाले यश चोपड़ा एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते थे। ये दो चीजें कैसे एक ही इंसान में है कि कंजर्वेटिव, लव, जेंटलनेस। इतने कंजर्वेटिव कि उनके पिता तो चाहते ही नहीं थे कि यश चोपड़ा डायरेक्टर बने, बल्कि वो तो उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने करियर में 20-30 साल काम करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर देते थे। उन्हें डर रहता था कि यश चोपड़ा की मूवीज नहीं चलेंगी। एक टाइम तो ऐसा भी था कि मूवी आने से पहले ये खबर फैलने लगती थी कि यश चोपड़ा एक और फ्लॉप लेके आने वाले हैं। लॉट ऑफ Messages have been passed through the country. Another flop is coming. Don't give them theaters. एक समय पर तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि अगर एक मूवी और फ्लॉप होती तो यश चोपड़ा को YRF फिल्म्स को बंद करना पड़ जाता। फिर कैसे आज यश चोपड़ा का बनाया हुआ YRF इंडिया का इकलौता सबसे बड़ा स्टूडियो है, कैसे उन्होंने एक समय पर बॉलीवुड को बचाया जहां बाकी फिल्म मेकर सिर्फ एक्शन और थ्रिल मूवीज बनाए करते थे, तब कैसे यश चोपड़ा ने रोमांस और ड्रामा को उसकी जगह दी, और कैसे फिल्म मेकिंग में प्रोडक्शन और पैसे की समझ ना होने के बावजूद उन्होंने अपना इतना सक्सेसफुल प्रोडक्शन स्टूडियो बचाया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यश चोपड़ा की, YRF की, उनके इम्पैक्ट की, इन्फ्लुएंस की, इसको बहुत लोग नहीं जानते, और वही चीजें आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसे डीप डाइव्स में हर हफ्ते तुम्हारे लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड नाउ तुम्हें कहानी सुनाते हैं कि कैसे यश चोपड़ा ने एक ऐसे बॉलीवुड को जो शायद कुछ ही सालों में तबाह होने वाला था अकेले बदल दिया। यश राज चोपड़ा का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड पर, इंडिया पर, दुनिया पर कितना है, इसका अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने उनके नाम पर ना सिर्फ एक स्टैचू, ट्रेन, होटल रूम, बल्कि एक लेक तक रख रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मूवीज को देखने के बाद इंडियंस ने स्विट्जरलैंड को टूरिज्म में इकोनॉमिकली इतने अच्छे से घूमा और एक्सप्लोर करा। अब इसके बारे में सुनना एक अलग बात है, पर जब मैंने अपनी फैमिली के साथ करे हुए टूर पे खुद इसको अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया, वो जगह देखी जो मैंने यश राज
जी की मूवीज में देखी थी तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। एंड सिर्फ स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा का स्टैचू ही नहीं, उनकी लास्ट मूवी जब तक है जान में दिखाए हुए लंदन के सारे मॉन्यूमेंट्स हो, पेरिस में डिज्नीलैंड घूमना हो, दुबई में फोटो टूर करना हो, एंड इतने सालों से अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स पर ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हेड आउट। अगर तुम्हें नहीं पता तो हेड आउट एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे और तुम्हें हेल्प करता है ये एक्सपीरियंसेस डिस्कवर करने में इन द मोस्ट सीमलेस अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट वे। लंदन और दुबई में अकेले ये चीजें एक्सपीरियंस करना या फिर अपनी फैमिली के साथ टूर पर ये एक्सपीरियंस करना, ये सब मैं बहुत सालों से हेड आउट यूज करके कर रहा हूँ। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी ये कर सकते हो। हेड आउट पर जाकर अपनी फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के बारे में ट्रिप्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी अगली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए एक्सपीरियंसेस बुक कर सकते हो, एंड अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो तुम्हें अपनी अगली बुकिंग पर 4,000 रुपए तक ऑफ भी मिल सकते हैं। बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंसेस हैं, बेस्ट प्राइसेस हैं, तो जाओ हेड आउट की ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करो। एंड यश चोपड़ा जी का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कैसे पहुंचा उसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा लाहौर तक, क्योंकि यश चोपड़ा जी बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं। उनके 8 भाई थे जिसमें वो सबसे छोटे थे। उनके पिता ब्रिटिश पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे, पर बचपन से ही ना यश राज चोपड़ा को मूवीज का बहुत शौक था। वो छुप छुप कर पिक्चर देखा करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश चोपड़ा और उनके सबसे बड़े भाई में 30 साल का अंतर था, पर उनके 8 भाइयों में से एक थे B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा उस दौरान लाहौर की फिल्म मंथली मैगजीन में सिने हेरल्ड में जर्नलिस्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे उनकी फिल्में बनाने में रुचि बढ़ती गई और 1947 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म चांदनी चौक रिलीज करी। धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाते गए और अफसाना, एक ही रास्ता, नया दौर जैसी मूवीज बनाई। इन्हीं मूवीज में उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, वैजयंती माला के साथ भी काम करा। He was a big name. He'd started working with these big stars, including Ashok Kumar, Dilip Kumar. And 1955 में उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस B.R. Films खोल लिया। जहां B.R. चोपड़ा ने ये सब हासिल कर लिया था, यश चोपड़ा के पिता चाहते थे कि यश इंग्लैंड जाएं और इंजीनियरिंग पढ़ें। यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे बन गए? लेकिन अपनी मम्मी के सपोर्ट से वो इंग्लैंड ना जाकर बॉम्बे चले गए अपने भाई से फिल्में बनाना सीखने के लिए। तो 200 रुपए लेके और माँ की दुआओं के साथ आप मुंबई आ रहे हैं। मेरी माँ ने बोला कि ये बेटे 200 रुपए हैं तुम्हारे लिए और मेरा आशीर्वाद है। मेरा दिल कहता है कि जो भी तुम करोगे ठीक ही करोगे। अपने छोटे भाई का फिल्मों में इंटरेस्ट देखने के बाद B.R. चोपड़ा ने यश जी को फिल्मों में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद यश जी को काम सिखाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि हमारा एक पर्सनल बॉन्ड है तो वो उन्हें प्रोफेशनली कुछ सिखा नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने दोस्त IS जौहर के साथ यश चोपड़ा को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर लगवा दिया। पर तुम मेरे असिस्टेंट मत बनो, तुम मेरे भाई हो, तुमसे कुछ सीखोगे नहीं। मैं महबूब सर से बात करता हूँ, राज कपूर सर से बात करता हूँ, फैंटास्टिक फिल्म मेकर्स, तुम उनके असिस्टेंट बन जाओ। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता था, जिसके बाद यश जी ने इंडस्ट्री में और लोगों से रिक्वेस्ट करवा कर अपने ही भाई B.R. चोपड़ा को मना दिया उनसे काम सीखने के लिए। 1-2 साल यश चोपड़ा जी ने एज एन अप्रेंटिस काम किया, जहाँ उनकी मेन जिम्मेदारी थी एक्टर एक्ट्रेसेस को रेडी करवाना, उनका शेड्यूल सेट करना, उन्हें डायलॉग याद कराना। मैं एक अप्रेंटिस बन गया, तो मेरा क्या काम था? एक्टर को बुला लो, एक्टर को जूता दियो, एक्टर को कॉस्ट्यूम दियो, एंड साथ ही में वो डायरेक्शन में भी असिस्ट करते थे। एंड ये समय 1947 का इंडिपेंडेंस का था, एक ऐसा समय जहां फिल्में एक बहुत अहम किरदार निभाती थी लोगों में नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार जगाने के लिए। इसी कारण B.R. चोपड़ा की फिल्में नेशन बिल्डिंग पर ही हुआ करती थी। दिस आइडिया ऑफ यूजिंग सिनेमा As a tool for nation building. इसके चलते B.R. चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को एक मूवी को डायरेक्ट करने का मौका दिया, जिसके लिए फिर ओम बेदी और यश चोपड़ा को एक फिल्म डायरेक्ट करनी थी। लेकिन तभी ओम बेदी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिल जाता है और वो B.R. फिल्म्स छोड़ देते हैं। बीच में ओमी बेदी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल गया, पर इसका एक फायदा ये होता है कि यश चोपड़ा को अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिलता है, जो होती है धूल के फूल। धूल के फूल एक मैसेज ओरिएंटेड मूवी थी जहां इललेजिटिमेसी की बात होती है। इस मूवी में एक हिंदू बच्चा एक मुस्लिम माँ बाप के द्वारा पाला जाता है और मूवी का उद्देश्य ये बताना था कि इस संसार में कोई भी बच्चा इललेजिटिमेट नहीं होता। चिल्ड्रन नॉट इललेजिटिमेट, पेरेंट्स आर इललेजिटिमेट। दिस इज अ वेरी बिग थॉट। द होल आइडिया ऑफ द फिल्म वाज द चिल्ड्रन आर नेवर इललेजिटिमेट, The parents are illegitimate. इसी तरह उनकी दूसरी मूवी धर्मपुत्र इंडिया के पार्टीशन होने के बाद के ट्रॉमा के बारे में दर्शाती है। This is quite evident in the kinds of film Yash Chopra made early on. His second film धर्मपुत्र is a very direct take on Hindu fundamentalism. Also, it talks about the trauma of partition. लेकिन देशभक्ति और सोशल मैसेज के अलावा यश चोपड़ा का ज्यादा इंटरेस्ट था ह्यूमंस में, इंसानों में, उनके रिश्तों में, कैसे हालातों के बदलने के साथ साथ इंसान बदल जाते हैं ये एक्सप्लोर करने में। और इसी को समझते हुए उन्होंने बनाई अपनी अगली बड़ी मूवी वक्त।
वक्त बी आर फिल्म की पहली कलर मूवी थी और पहली बार एक ऑनसेम्बल कास्ट किसी मूवी में यूज करी गई थी। ऑनसेम्बल कास्ट मतलब एक मल्टी स्टारर कास्ट, जहां सुनील दत्त, शशि कपूर, राजकुमार, शर्मिला टैगोर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक साथ देखे गए। इसी मूवी से इंस्पायर होकर 90s के बाद बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, अंदाज अपना अपना जैसी मूवीज में ऑनसेम्बल कास्ट रखी थी। वक्त की कहानी तीन भाइयों के ऊपर है जो बिछड़ गए थे और आगे चलकर सब अपनी अपनी लाइफ में एक अलग अलग फाइनेंशियल स्टेज पर होते हैं। इसी मूवी के लिए यश चोपड़ा जी को अपना पहला बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था, लेकिन इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं मिले थे। पिक्चर लगी नहीं, रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट वीक द रिव्यूज केम इन पेपर्स एंड दे रोट बैड अबाउट द फिल्म। यहां तक कि दिलीप कुमार ने तो यश चोपड़ा के मुंह पर कह दिया था कि ये मूवी नहीं चलेगी। यू मेड अ ब्यूटीफुल फिल्म। जब लोगों को यश चोपड़ा के चूज करे हुए टॉपिक पर, कहानी पर, उनकी फिल्म पर डाउट हुआ। 1969 में यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ मिलकर इत्तेफाक बनाई थी, लेकिन मूवी की खास बात यह थी कि ये पहली ऐसी बॉलीवुड की मूवी थी जिसमें कोई गाने नहीं थे, कोई इंटरवल नहीं था, मूवी की शूटिंग भी कुल 28 दिन में खत्म हो गई थी। लेकिन लोगों को फिर से शक हुआ कि बिना गानों की मूवी हिंदी सिनेमा में तो चल ही नहीं सकती। बट क्या करें, इसी मूवी के लिए यश चोपड़ा को अपना दूसरा अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्टर। फर्स्ट पिक्चर इंडिया विद नो इंटरवल वाज शोन एंड इट बिकेम वेरी वेरी बिग हिट। इतना ही नहीं, माना जाता है इस मूवी की वजह से राजेश खन्ना को वो स्टारडम मिलना शुरू हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसी मूवी के साथ शुरुआत हुई राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट मूवीज की, जिसका रिकॉर्ड आज तक भी कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया है। एंड इतने साल काम करने के बाद बीआर फिल्म्स के अंदर यश चोपड़ा का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो 5 अच्छी मूवीज डायरेक्ट कर चुके थे, लेकिन 1970s में उनके मन में एक ख्याल, एक इंट्यूशन आना शुरू हुआ जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को बदल देने वाला था। In life, if you have to grow, you have to grow on your own feet, not anybody's shoulder. 1970 में यश चोपड़ा पैमेला सिंह से शादी कर लेते हैं। शादी से पहले तक यश चोपड़ा को पैसों की समझ पर्सनल लाइफ में और खासकर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं थी। बीआर फिल्म्स के अंडर रहते, काम करते, उन्हें पैसे मिल जाया करते थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें खुद का कुछ करना चाहिए। इन्होंने हनीमून, आई जस्ट thought that after directing 5 films in BR films, I thought it's high time I should try on my own wings. यश चोपड़ा के लिए उनको अपनी कहानी अपने तरीके से बताना एक बहुत जरूरी चीज लगती थी। भले ही उनको अपने भाई से पूरा सपोर्ट मिलता था, लेकिन अपनी कहानियों को अपने नजरिए से बताने के लिए उन्हें BR films पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसके चलते यश चोपड़ा ने यह निश्चय करा कि उनकी जो कहानी होगी वो दुनिया को बताएंगे अपने तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको मूवीज के कॉमर्स की कोई सेंस नहीं थी। कितना पैसा कहां लगता है, एक्टर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, क्रू को कैसे मैनेज करना चाहिए। I had no business sense. I was not a newcomer as a director, but I was a newcomer as a producer. और इसी के कारण उन्हें अपने खुद के डिसीजन पर डाउट होने लगा। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो अपने करियर को लेकर ये सेकंड टाइम था जब उनको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ। पहला था इंजीनियरिंग छोड़कर फिल्में करना। So he said, am I taking the right step? Somewhere my inner self saying, either now or never, you have to do it. And इस बार भी पिछली बार की तरह उनकी माँ ने और इस बार उनकी वाइफ ने उनकी सबसे ज्यादा मदद करी। जो तुम्हारा दिल करता वो करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी आंखों में दिख रही हूँ, तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस है। यश जौहर के बीते 10 सालों में इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत क्लोज कनेक्शंस बन गए थे। गुलशन राज, जो उस समय बहुत बड़े पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर थे, उन्होंने यश जी को सपोर्ट दिया और कहा कि जितना भी उनके बस में होता है पैसों को लेकर नेगोशिएट करने के लिए वो राजी हैं। गुलशन राय, देन द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बीआर चोपड़ा एंड ही वाज अ बिग फाइनेंसर आल्सो, ही कॉल्ड यश जी। ही केम टू मी, आई हियर यू वांट टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एनी अमाउंट ऑफ मनी, व्हाटएवर टर्म्स यू वांट, आई एम विद यू। और ऐसे ही उन्हें एक्टर्स राजेश खन्ना, राखी गुलजार और शर्मिला टैगोर ने भी कहा, जो उनकी पहली मूवी के बतौर प्रोड्यूसर कास्ट होने वाली थी। I went to all the 3 of them, शर्मिला टैगोर, राखी, राजेश खन्ना। I am making film myself. Are you with me? I don't want any discount from you. But all the 3 of them with one voice. जो तुम्हारी प्राइस है, जो तुम्हारा बजट है, वो हमारी प्राइस। और ऐसे में उन्होंने एज अ डायरेक्ट राजकमल स्टूडियोज के 10x20 के एक छोटे से कमरे में शुरुआत करी यशराज फिल्म्स की। 1973 में यशराज फिल्म्स की पहली मूवी बनाई
गई दाग। दाग मूवी राजेश खन्ना के कैरेक्टर सुनील कोहली को लेकर है, जिसमें उसकी प्यार धोखे और रिडेम्पशन की जर्नी दिखाई है। थिएटर में रिलीज होने से पहले जब प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मूवी देखी तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। सबने यश चोपड़ा की डायरेक्शन की खूब तारीफ करी, लेकिन फिर से सबके मन में मूवी की कमर्शियल परफॉर्मेंस को लेकर एक डाउट था। और एक बार फिर यश चोपड़ा को ये बोला जाने लगा कि शायद ये मूवी चलेगी नहीं। अब जानना जरूरी ये है कि ये मूवी यश चोपड़ा के लिए सिर्फ एक मूवी नहीं थी, एक लिटमस टेस्ट था। क्योंकि यश चोपड़ा को ये लगता था कि अगर ये मूवी नहीं चली तो पूरी दुनिया को ये लगेगा कि यश चोपड़ा को खुद के बलबूते पर कुछ करना नहीं आता और वो जो भी है अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा की वजह से है। इट्स माय लिटमस टेस्ट, लोग बोलेंगे इसको तो आते क्यों नहीं, एवरीथिंग मस्ट बी बी.आर. चोपड़ा। लेकिन फिर से वही हुआ जो पिछली दो बार हुआ था, पिक्चर हिट हो गई, यश चोपड़ा को अपना तीसरा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। एंड इसी के साथ यश चोपड़ा के पैर इंडस्ट्री में जम चुके थे, उनको अपने काम पर, अपने इंट्यूशन पर, अपनी कला पर एक अच्छा विश्वास हो गया था। एंड दो साल पहले 1971 में एक तरफ जहां यशराज फिल्म की एस्टैब्लिशमेंट हो रही थी, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान में जंग हो रही थी। और ऐसे में जिस तरह देश के हालात हो रहे थे, आम आदमी का लॉ पर, सिस्टम पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में बॉलीवुड में एंट्री होती है एक नए हीरो की, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में रोमांस, रोमांटिक हीरो से एक एंग्री यंग मैन का शिफ्ट लेके आते हैं, जो वैसे तो एक क्रिमिनल है लेकिन उसकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी हैं। अमिताभ बच्चन के रूप में बॉलीवुड को राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार मिल गया था। बंदे हाथ, जंजीर, शोले, डॉन जैसी मूवीज में अमिताभ बच्चन ने काम करा। एंड उस समय सिनेमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन था। अमिताभ बच्चन के साथ यश चोपड़ा ने अपनी पहली मूवी बनाई दीवार। लेकिन फिर से सबको इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन को ये शक था कि यश चोपड़ा जो रोमांटिक मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, वो दीवार जैसी एक रगेड एक्शन फिल्म कैसे बनाएंगे। सलीम जावेद सजेस्टेड दैट मिस्टर यश चोपड़ा शुड डायरेक्ट दीवार। नाउ यश जी बाय दैट टाइम हैड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डायरेक्टर हु वर्कड मोर इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड ऑब्जेक्ट्स एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। But Devar was very rugged and one wondered whether he would accept to do something like this. और फिर से वही हुआ जो अब तक होता आया था। दीवार थिएटर में रिलीज हुई और इतनी बड़ी हिट हुई कि उसके डायलॉग्स हम आज तक याद करते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। एंड दीवार में स्पेशल बात ये थी कि वो उस समय की चली आ रही एक्शन मूवीज से बिल्कुल अलग थी। इसका कारण ये था कि यश चोपड़ा की मूवीज में कैरेक्टर्स को अक्सर ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे कोई गलत नहीं होता। एंड दीवार की खास बात यही थी कि इवन दो इट वॉज थीम्ड लाइक एन एक्शन मूवी, लेकिन उसकी कहानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में थी। एक माँ और उसके दो बेटों के बारे में, जहाँ दो भाइयों के मॉरल्स आपस में क्लैश कर रहे हैं। और तब लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि यश चोपड़ा जी की कहानियां क्यों सबसे अलग होती हैं। अपने कॉलेज के टाइम से ही यश चोपड़ा को पोएट्री का बहुत शौक था। इंसानों के बीच के रिश्तों को अलग अलग नजरियों से देखने का तरीका उन्हें पोएट्री लिखते हुए समझ आया। मुझे कॉलेज से पोएट्री का बहुत शौक था। इंडस्ट्री में बहुत लोग बताते हैं कि कैसे यश राज का मूवी के पोर्ट्रेयल को लेकर हमेशा एक पोएटिक टेक होता था। हर कैरेक्टर के इमोशंस में हमेशा एक सॉफ्ट एंगल डाला जाता था। He was somebody who had a poetic take to things, you know, a certain kind of predisposition for softness in emotions. क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रेंड था उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर यश चोपड़ा की मूवीज में कोई हीरो या विलन नहीं होता था, बल्कि उन कैरेक्टर्स के हालात उनको ऐसा बना देते थे कि उनके आपस के रिश्ते में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी। और उसी कॉम्प्लेक्सिटी को, कैरेक्टर के फेट या डेस्टिनी को बदलने के लिए वो कैरेक्टर सही या गलत डिसीजन लेते थे। एंड एक और चीज जो यश चोपड़ा की मूवीज को ना सिर्फ तब के बॉलीवुड से बल्कि आज के आने वाली कई मूवीज से भी एक अलग ऊपर लेवल पर रखती है, वो था उनकी मूवीज में, उनकी कहानियों में दिखाया हुआ विमेन का, औरतों का पोर्ट्रेयल। क्योंकि 1970s में अक्सर एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर को उस तरीके की मूवीज के चलते फीमेल कैरेक्टर्स को साइडलाइन कर दिया जाता था। उनके रोल्स बहुत वीक हुआ करते थे, वो हमेशा सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरह नजर आती थी, जहां पे उनका मेन रोल था कि हीरो उन्हें आके बचाएगा। लेकिन यश चोपड़ा की मूवीज में कुछ अलग था। But why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm and so extremely woman-like? And although उस समय यश चोपड़ा ने आउट एंड आउट वुमेन सेंट्रिक मूवीज नहीं बनाई, लेकिन दीवार और त्रिशूल जैसी मूवीज में भी वुमेन ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी वाइफ पैमेला चोपड़ा। क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट यश चोपड़ा अपनी फिल्म के सेट पर होते थे, उनकी वाइफ की इंपॉर्टेंस ऑफ द सेट उससे भी ज्यादा थी। पैम वाज समवेयर इन द बैकग्राउंड बट ऑल हर थॉट्स थिंकिंग वर ऑलवेज इन द फोरग्राउंड
Pamji was a big contributor to Yashji's success in the initial years. Especially when he started off on his own. क्योंकि यश चोपड़ा जी का खुद कहना है कि उनकी वाइफ पैम हमेशा बैकग्राउंड में होती थी एंड अपनी मूवीज को बनाने के दौरान यश जी हमेशा उनका पर्सपेक्टिव लिया करते थे ताकि उन्हें अपने फीमेल कैरेक्टर्स की एक बेहतर समझ हो। यहाँ तक कि 1976 में आई मूवी कभी कभी पैमेला चोपड़ा ने लिखी थी। इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट ली गई थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, राखी गुलजार, नीतू सिंह, ऋषि कपूर। एंड इस मूवी का प्लॉट शादी और रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत गहराई से दर्शाता है। और उससे भी जरूरी ये कि इस मूवी के थ्रू फिल्ममेकर्स को ये समझ आ गया था कि किसी हीरो को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में एक मशीन गन और माचो दिखाना ही तरीका हो। अपनी कहानियों के थ्रू ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाना यश चोपड़ा की सबसे बड़ी खूबी थी। और इसी खूबी को दर्शाने के सिलसिले में यश राज जी के पास एक अपॉर्चुनिटी आई। लेकिन यश जी के साथ साथ किसी और को भी नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी उनका फायदा करवाने के बजाय बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी। ऐसा नुकसान कि यश जी का बनाया हुआ यशराज फिल्म ही दांव पर लग जाएगा। I know for a fact that Yash ji knew that if this film doesn't work, he was going to close shop. मिड 70s के बाद से यश चोपड़ा के अंदर एक इच्छा थी एक्स्ट्रा मैरिटल्स जैसे एक टबू सब्जेक्ट पर एक मूवी बनाने की। मूवी का प्लॉट एक लव ट्रायंगल पर सेंटर्ड था जहां कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते मूवी का प्रोटैगनिस्ट उससे शादी नहीं कर पाता जिससे वो प्यार करता है। इनसे तो मैंने शादी की है और प्यार इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती उसकी शादी हो गई। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है, असली परेशानी तब शुरू होती है जब यही प्रोटैगनिस्ट अपनी शादी से बाहर अपने उस प्रेमिका से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर देता है। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। ये मूवी थी सिलसिला, इस मूवी का प्लॉट बिल्कुल यही था, लेकिन मूवी से, मूवी के प्लॉट से ज्यादा इंटरेस्टिंग लोगों को इस मूवी में काम करने वाले एक्टर्स लगे। मूवी की ओरिजिनल कास्ट अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल और परवीन बाबी थे। लेकिन उस दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर इंडस्ट्री में कुछ रूमर्स चल रहे थे। रूमर्स के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन और रेखा एक रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की ऑलरेडी जया भादुरी से शादी हो चुकी थी जिसके चक्कर में वो रेखा के साथ ऑफिशियली पब्लिक के सामने कभी साथ नहीं आ सकते थे। अब मूवी की कहानी और रेखा जया अमिताभ का अलेजेड लव ट्रायंगल बहुत सिमिलर था, जिसकी वजह से जब अमिताभ बच्चन से यश चोपड़ा मिले मूवी के बारे में बात करने, तो उन्होंने अमिताभ को बताया कि वो मूवी की ओरिजिनल कास्ट अमिताभ पाटिल और परवीन बाबी से खुश नहीं थे। Are you sure with the casting of the film? You tell me honestly, ये आपके लगता है कौन इसकी आइडियल कास्टिंग क्या है? मैं कि बताने का फायदा कुछ है क्या? मैं कहता हूँ सच पूछो तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग। यश चोपड़ा ने फिर पर्सनली जाकर रेखा और जया बच्चन से बात करी, जिसके बाद मूवी करने के लिए राजी हो गई। कल बॉम्बे चलते हैं और फिर दोनों से बात करते हैं, अगर हो जाए इस क्लास। कहा तो ये भी जाता है कि जया बच्चन इस मूवी को करने के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुई क्योंकि मूवी के एंड में प्रोटैगनिस्ट अपने लवर को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ ही आता है। अब यश जी ने साथ ही में तीनों एक्टर से ये भी रिक्वेस्ट करी कि पर्सनल इश्यूज की वजह से सेट पर कोई दिक्कत ना खड़ी हो। बिफोर आई स्टार्टेड द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग, यार मेरे सेट पर कोई गड़बड़ी मत करना यार, दोनों ने मुझे श्योरली लाइक बिल्कुल प्रॉपर। अब इसी सेम इंस्टेंस को रेखा के पर्सपेक्टिव से जानना हो तो हमारी ये वीडियो देख सकते हो। अब इतने तामझाम करने की क्या जरूरत थी, ये सवाल तुम्हारे मन में आए उससे पहले याद करो कि यश चोपड़ा जी को अपनी कहानी बिल्कुल वैसे ही दर्शाना अच्छा लगता था जैसे वो चाहते थे। अब मूवी शूट हो जाती है और ये रियल लाइफ लव ट्राइंगल के चलते यश चोपड़ा जी को उम्मीद भी होती है कि मूवी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन बहुत बड़े बजट पर बनाई हुई ये मूवी जो रियल और रियल लाइफ के बीच की दीवार को बिल्कुल शायद भुला देती है, सिर्फ 3 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप हो जाती है। एंड पैमेला चोपड़ा से बाद में पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है ये मूवी क्यों नहीं चली, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए कि इंडिया में मैरिज एक बहुत सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से शायद मूवी में लोगों को हीरो का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पसंद ही नहीं आया। पर उससे बड़ी बात ये थी कि यश चोपड़ा जी का ये एक ऐसा फेलियर था जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक उभर नहीं पाए। अब इसका एक रीजन ये भी है कि उस समय बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा था। उस समय VCR, कैसेट टेप्स जनता में पॉपुलर होने शुरू हो गए थे, तो जनता ने थिएटर में रोमांटिक मूवीज देखने के लिए जाना तो बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड हिंदी सिनेमा में सिनेरियो बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। एंड उस समय ज्यादातर फिल्म मेकर सिर्फ कमर्शियल, मसाला, एक्शन पैक्ड फिल्में बना रहे थे, जैसे 1980 में आई द बर्निंग ट्रेन, 1983 की अर्थ सत्या, 1986 की कर्मा, 1987 की मिस्टर इंडिया। कुछ ऐसी एक्शन मूवीज थी जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल बनी। एंड सिलसिला के फेलियर के बाद यश चोपड़ा को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होने लगा। बिकॉज़ आई थिंक हिज एस्थेटिक्स वरंट गोइंग विद द ग्रेन ऑफ इंडिया
that had become. जिसके चलते उन्होंने एक्शन रोमांस को ब्लेंड करते हुए कई अलग अलग तरह की मूवी बनाई. ना खुदा, मशाल, सवाल, फासले सब एक के बाद एक लाइन से फ्लॉप होती जा रही थी. चाहे स्टार कास्ट कितनी भी लाजवाब क्यों ना हो, लोग उनकी मूवीज देखने थिएटर में आ ही नहीं रहे थे. 1988 में यश चोपड़ा की एक मूवी आनी थी विजय, जिसकी शूटिंग के दौरान उन्होंने मुंबई में और पिक्चरों के होर्डिंग्स देखे एंड उन्होंने देखा कि चाहे मूवी कोई भी हो, हीरोज की शक्लें, उनके रिएक्शन, उनके एक्सप्रेशन सब सेम है, बस हाथ में पकड़ी हुई बंदूकें अलग हैं. One day I was traveling from my home to the Taj and I saw the posters and hoardings of all the films. Only the weapons were changing, faces were same. एंड तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यश चोपड़ा एक अच्छी कहानी, एक अच्छी फिल्म बनाने के बजाय एक हिट कहानी, एक हिट फिल्म, एक कमर्शियल सक्सेस फिल्म बनाने के माया जाल में फंस चुके हैं. I was trying to make a hit film. I was not trying to make a good film. यश चोपड़ा जी की विजय रिलीज हुई, आके एक बहुत बड़ी फ्लॉप हुई एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद यश चोपड़ा जी के पास कुछ खास बचा नहीं था और सबको ये लगने लगा था कि जब उनकी अगली फिल्म फ्लॉप होगी तो उसके बाद यश राज फिल्म्स बंद हो जाएगा. एंड तब जब यश चोपड़ा के पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अपने अगले आखिरी शॉट के लिए ना वो कोई कैलकुलेशन देखेंगे, ना बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखेंगे, सिर्फ वो चीज पर गौर करेंगे जो उनका मन, उनकी इंट्यूशन उन्हें कह रही हो. आई डिसाइडेड नो, आई विल मेक ए फिल्म in which I believe in. और तब आई मूवी चांदनी. चांदनी के लिए यश राज जी ने श्रीदेवी को अप्रोच करा, जो उस समय ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी. उस मूवी में यश चोपड़ा ने ऐसे कॉस्ट्यूम्स यूज करे जो उस समय तक बॉलीवुड में कोई यूज नहीं करता था. इतना कि अपने कॉस्ट्यूम्स और डिजाइन को लेकर यश चोपड़ा जी बहुत सीरियस थे, वोग मैगजीन से रेफरेंसेस लिया करते थे. I remember walking into the room once while he was reading the Vogue. And I said, "Uncle, why you're reading the Vogue? Like that's so cool." He's like, "Yeah, I'm referencing costumes." मूवी में लीड एक्टर विनोद खन्ना थे जो अपने एक्शन के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस मूवी में एक भी एक्शन सीन नहीं था, जिसको लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ना खुश हुए कि मूवी में तो कोई हाईलाइट ही नहीं है. लेकिन यश चोपड़ा जी के इंट्यूशन की वजह से उनके लिए हाईलाइट कोई एक्शन सीन नहीं, मूवी के गाने थे. इफ यू थिंक ए फाइट इज अ हाईलाइट, आई फील ए सॉन्ग इज अ हाईलाइट. चांदनी में 9 गाने थे उस समय पर, जहां अक्सर मूवीज में 4 या 5 ही हुआ करते थे. उसके साथ साथ मूवी की लोकेशन स्विट्जरलैंड रखी गई. स्विट्जरलैंड का टूरिज्म कई मायनों में इस एक मूवी की वजह से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने यश राज जी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करा, जैसे हमने बात करी थी. लेकिन यश चोपड़ा के इंट्यूशन के बावजूद फिर से ये खबरें आने लगी कि यश राज चोपड़ा की एक और मूवी थिएटर्स में आके फ्लॉप होने वाली है और इसीलिए ज्यादा थिएटर्स में इसे रिलीज ही ना करा जाए. Lot of messages have been passed throughout the country. Another flop is coming. Don't give them theaters. Movie आई, release हुई and अगली ही सुबह चांदनी हिट हो गई. 8 करोड़ के बजट में बनी हुई चांदनी 27 करोड़ कमा गई, उस साल की तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन गई. एंड चांदनी के थ्रू यश चोपड़ा ने इंडिया की फिल्म देखने वाली जनता को एक्शन से हटाकर एस्केपिज्म की तरफ रुख करा. चांदनी पहली वो मूवी थी जिसने इंडिया में फिल्म देखने वाले लोगों के लिए एक ग्रैंड रोमांटिक मूवी का चलन शुरू किया. और माना जाता है कि चांदनी के बाद ही बॉलीवुड में 90s में रोमांटिक कमर्शियल सिनेमा का दौर शुरू हुआ. 90s में ही यशराज जी ने अपनी अगली फिल्म लम्हे बनाई और 1993 में उन्होंने बॉलीवुड को फिर से उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान दिया. एंड शाहरुख खान और यश चोपड़ा का बॉन्ड जो बिल्कुल एक फादर सन जैसा है, उसके ऊपर तो हम अलग एक वीडियो बना सकते हैं. पर कई मायनों में यश चोपड़ा ने शाहरुख खान को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में बहुत मदद करी, इवन दो वो इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर थे. एंड इसी वजह से शाहरुख खान यश चोपड़ा की कही हुई किसी बात को मना नहीं करते थे, उनके किसी डिसीजन पर शक नहीं करते थे. शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल से मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है, आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कभी ये सवाल नहीं किया आप मुझे पैसे क्या दे रहे हैं. एंड आगे चलकर यश राज फिल्म्स की लेगेसी, यश चोपड़ा की लेगेसी उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने संभाली. जैसे यश राज फिल्म के अंदर आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डायरेक्ट करी, जो कि एक वर्ल्ड वाइड हिट बनी. लेकिन मूवी के पूरे क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान यश चोपड़ा ने जरा भी दखलंदाजी नहीं करी. लेकिन इतना सब करने के बाद भी यश चोपड़ा की लेगेसी को एस्टैब्लिश करने में, उस लेगेसी को बॉलीवुड को बचाने में एक लास्ट स्टेप बाकी था. 1991 में जब देश में लिबरलाइजेशन हुआ, मूवीज का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हुआ, तो लेट 90s और अर्ली 2000s में बाहर की कंपनीज जैसे वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी की इंडिया के मार्केट पर नजर पड़ी, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था. और उस मार्केट में अर्ली कदम रखने के लिए, उस मार्केट को बड़ा होने से पहले एक्वायर करने के लिए वार्नर ब्रदर्स ने YRF में 49% का स्टेक खरीदने की डील यश चोपड़ा के सामने रखी. एंड उस समय इस डील को मना करना कितना बड़ा डिसीजन था, वो शायद उन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि अगर वो डील शायद हो जाती
बाहर की कंपनीज का इंडिया के सिनेमा पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ जाता। तो जैसा हाल आज हॉलीवुड में है कि हर मूवी आपको सिर्फ सीक्वल मिलती है, कॉर्पोरेट्स वहां की पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, शायद वैसा ही हाल इंडिया में भी देखने को मिलता। लेकिन ये आदित्य चोपड़ा को मंजूर नहीं था। उनका मानना था यश चोपड़ा के बिलीव्स पर कि हम अपनी कहानी खुद बनाएंगे, खुद बताएंगे, जैसा उनके पिता करते थे। एंड तब उन्होंने बनाया खुद का YRF स्टूडियो। एंड आज भी इंडिया में YRF इकलौता ऐसा स्टूडियो है जो खुद की मूवी प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करता है। And this was in many ways a tribute to the work of यशराज चोपड़ा। And यशराज चोपड़ा की कहानी का अंत भी बहुत poetic है। उन्होंने अपनी आखिरी मूवी 2012 में शाहरुख खान के साथ बनाई, टाइटल जब तक है जान। लेकिन unfortunately मूवी की पहली कॉपी रिलीज होने से पहले ही यशराज जी का देहांत हो जाता है। एंड अब तुम इसको इंटरेस्टिंग tidbit मानो या poetic स्टोरी मानो कि उनकी आखिरी मूवी का टाइटल भी मूवीज की तरफ उनका प्यार, उनके कला की तरफ उनका नजरिया एंड उनकी डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज क्राफ्ट आता है। उन्होंने कहानियां, पिक्चरें अपने तरीके से तब तक बनाई जब तक उनमें जान थी। एंड भले ही यशराज चोपड़ा को उनकी रोमांटिक मूवीज के लिए जाना जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो खत्म होने तक तुम्हें ये समझ आ गया हो कि यश चोपड़ा की कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स है एंड उनकी रोमांटिक मूवी से ज्यादा वो किस कॉम्प्लेक्सिटी को कितने अच्छे से स्क्रीन पर दर्शाते हैं उसके लिए तुम उनको अप्रिशिएट करो। आई डोंट मेक अ मिटिकल, आई मेक फिल्म टू ह्यूमन रिलेशंस। एंड ना सिर्फ उन्होंने बॉलीवुड को कॉर्पोरेट अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बचाया, पर उनकी कहानियां उनके स्क्रीन पर पिक्चरों को दर्शाने के नजरिए को देखकर ही आज हम उनकी मूवीज के फैन हैं। कई फिल्म मेकर्स उनसे इंस्पायर्ड हैं एंड कई फॉरेन देशों के टूरिज्म को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तुम्हारा क्या सोचना है यश चोपड़ा जी की लेगेसी के बारे में, नीचे कमेंट्स में बताओ। हेडआउट की ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेकआउट करो, कोड यूज करो अपनी अगली ट्रिप पे एक्सपीरियंस बुक करने के लिए एंड यू कैन गेट एन ऑफ अप टू ₹4,000। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो क्लियरली यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो इसको जाकर चेकआउट करो। यहां पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।